नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज सांसद चिराग पासवान ने अपने जीजा जी अरुण भारती को बतौर सांसद उम्मीदवार के रूप में जमुई में प्रोजेक्ट किया। तमाम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तमाम कार्यकर्ताओं से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। जैसे कि निजी विवाह भवन में आज ये तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, सांसद चिराग ने कहा कि हमसे भी बेहतर सांसद अरुण भारती साबित होंगे। हालांकि उन्होंने कहा, भले ही जमुई के लोग जो भी सोचे, लेकिन मैं जमुई को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जवानी में आया था, बुजुर्ग बन के जाऊँगा और अरुण भारती सिर्फ मेरा ही स्थान लेंगे। और जमुई जिला अगर एक बटन ईवीएम पर लोक जनशक्ति पार्टी आर पर बटन दबाएगी तो दो दो सांसद चुनेंगे। एक सांसद खुद चिराग पासवान हाजीपुर से और दूसरा सांसद अरुण भारती जमुई से। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ जनता का मत पड़ता है। जिस प्रकार से अब की बार 400 पार का तमाम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को कितना एनडीए भेद पाता है यह भी देखना है। समय का इंतजार होगा। जिस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश था, एक अलग ही उबाल था, तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरुण भारती इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से जीत कर जाएंगे। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। कहना कुछ नहीं चाहते, अपने लिए आशीर्वाद मांगने आता था, आज अपने जीजा जी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। एनडीए के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, एनडीए के साझा प्रत्याशी के रूप में अरुण भारती जी को चुना गया है। आज यहाँ पर सबसे अपने परिवार से, मेरे परिवार के सदस्य का परिचय कराने यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि जिस तरीके से जम्मू की जनता ने पिछले 10 साल मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया, ऐसे में जो वादा मैंने जम्मू की जनता से किया था कि युवा बनकर आया हूं, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा, बुजुर्ग बनकर जाने में मेरे परिवार के सदस्य ही मेरा माध्यम यहाँ पर बनेंगे। मेरी बहन, मेरे जीजा से बेहतर और कौन, कोई और यहाँ पर होता तो संभवतः उनसे मेरा रिश्ता मेरे पार्टी के सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता, पर अब जब मेरे घर के परिवार के सदस्य हैं तो मेरी भी भूमिका वैसी की वैसी ही रहेगी जो भूमिका अभी तक चिराग पासवान की थी। आज इस उम्मीद के साथ कि जमुई की जनता वही प्यार, वही आशीर्वाद अरुण भारती जी को देगी जो उन्होंने मुझे दिया था, और आने वाले दिनों में इनको भी जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य देगी। अब हाजीपुर से दावेदारी ठोक दिए हैं और यहाँ की जनता आपको 10 साल तक सांसद बना के भेजी, तो नहीं लग रहा है कि जो खरा जो उतरना चाहिए था, या आप जो है बैकफुट पर चले गए, या दूसरा विकल्प आप खोज लिए, हाजीपुर में शिफ्ट कर गए? अरे प्रभु, हम विकल्प तब खोजते जब हम यहाँ से छोड़ कर जाते। आज भी देख लीजिए, सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर जमुई, हम आए हैं और अपने परिवार के, अब तो बताइए हमारी बहन से ज्यादा सगा और कौन, पिता के हम ही दो अंग है ना, उनसे और हमसे सगा और कौन। हमारे जीजा जी को यहाँ पे लाने का मकसद यही है, क्योंकि कुछ लोग इस बात का भ्रम फैलाते थे कि चिराग चले जाएंगे, नहीं आएंगे, जमुई को छोड़ देंगे। जमुई में जो कार्य मैंने किए हैं, जिनमें से कई पूरे हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह तमाम कार्य, बट मेडिकल कॉलेज वगैरह जो है जिनपे निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है, या रेलवे की 3,000 करोड़ की जो परियोजना है, और ये सब उन कार्यों को और बाकी और परियोजनाओं को मजबूती से हम लोग यहाँ पर लेकर आए। ऐसे में मेरी सक्रिय भूमिका उतनी ही रहे, इसीलिए हमारे जीजा जी अरुण भारती जी यहाँ पर आए हैं। और चिराग पासवान को आप उसी भूमिका में पाए। मेरे पिता ने 2014 में कहा था कि जमुई को दो दो सांसद मिलने जा रहा है, उस वक्त वो और हम उस भूमिका में थे। आज पुनः दो दो सांसद वाली भूमिका में है, जिसमें हम और जनता के आशीर्वाद से अरुण भारती जी जब सांसद बनेंगे तो ये दो सांसद पुनः जमुई को मिलेगा। भाजपा और जदयू जो है अपना सीट क्लियर कर दिया है और प्रत्याशी भी घोषणा कर दिया है, तो आप अभी तक पांचों प्रत्याशी का घोषणा क्यों नहीं कर पाए? हो जाएगा भाई, जमुई हमारे लिए प्राथमिकता थी। नामांकन पहले ही दौर में था, तो ऐसे में जमुई आकर नामांकन कल हम लोग करने जा रहे हैं, ऐसे में प्राथमिकता ये थी। मुझे लगता है एक बार कल नामांकन हो जाएगा, उसके बाद प्रत्याशियों की बात। यहाँ बोल रहे हैं कि बाहरी और जो है लोकल का जो है इस तरह का यहाँ पर। अब हम भी अगर बाहरी हो गए, हाँ हमको भी अगर कोई बाहरी बोले, पूछ के बताइए जमुई की जनता से। अच्छा, 10 सालों में भाई कम ज्यादा कोई कुछ बोल ले चुकी थी, उनकी भी जिम्मेदारी चिराग जी के ऊपर आ गई।
ऐसे में उनकी चिंता बहुत थी कि भाई आप सबको पता है कि एक पिता का कर्ज एक पुत्र को ही उतारना पड़ता है। इसीलिए इस सिलसिले में कई बार इनसे बातचीत हुई, कई बार इनसे डिस्कशन हुआ और बहुत सारी चीजों पे बात करने के बाद ये आया कि क्यों नहीं मैं पिता के कर्ज को हाजीपुर से उतारता हूँ और आप भी उसी पिता के पुत्र हैं, दामाद है लेकिन पुत्र की तरह ही है क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके साथ मिलती जुलती थी। हम कई विषयों पर बात करते थे, उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि जमुई की जनता को क्या आप अपना वहां जाकर उनका उनका बेटा बनकर के उनकी मदद कर सकते हैं, हमारी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी परियोजनाएं जो चल रही हैं उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस बारे में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत सोच विचार हुआ और फिर मन बना कि नहीं, अगर आप अपने पिता के कर्ज को उतारने के लिए हाजीपुर जाएंगे, विपत्ति की परिस्थिति में अगर हम साथ खड़े रहे हैं तो हम जमुई की जनता को नहीं छोड़ेंगे, हम जमुई की जनता के बीच में जाएंगे, चिराग जी के किए हुए काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, हम इनसे बेहतर करके दिखाएंगे। हम अपने अभिभावक के किए हुए वादे को कि जमुई को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे, इस बात को भी रखेंगे और इसी चीजों को लेकर के हम जब भी उनकी भी जिम्मेदारी चिराग जी के ऊपर आ गई, ऐसे में उनकी चिंता बहुत थी कि भाई आप सबको पता है कि एक पिता का कर्ज एक पुत्र को ही उतारना पड़ता है। इसीलिए इस सिलसिले में कई बार इनसे बातचीत हुई, कई बार इनसे डिस्कशन हुआ और बहुत सारी चीजों पे बात करने के बाद ये आया कि क्यों नहीं मैं पिता के कर्ज को हाजीपुर से उतारता हूँ और आप भी उसी पिता के पुत्र हैं, दामाद है लेकिन पुत्र की तरह ही है क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके साथ मिलती जुलती थी। हम कई विषयों पे बात करते थे, उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि जमुई की जनता को क्या आप अपना वहां जाकर उनका उनका बेटा बनकर के उनकी मदद कर सकते हैं, हमारी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी परियोजनाएं जो चल रही हैं उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस बारे में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत सोच विचार हुआ और फिर मन बना कि नहीं, अगर आप अपने पिता के कर्ज को उतारने के लिए हाजीपुर जाएंगे, विपत्ति की परिस्थिति में अगर हम साथ खड़े रहे हैं तो हम जमुई की जनता को नहीं छोड़ेंगे, हम जमुई की जनता के बीच में जाएंगे, चिराग जी के किए हुए काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, हम इनसे बेहतर करके दिखाएंगे। हम अपने अभिभावक के किए हुए वादे को कि जमुई को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे, इस बात को भी रखेंगे और इसी चीजों को लेकर के हम जब भी जो भी बाकी परियोजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, इनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। हमें जमुई को उस स्थान पे ले जाना है जहां चिराग जी ले गए थे, नीति आयोग की रिपोर्ट में जमुई को चिराग जी वहां ले गए जहां भारत के 10 जिलों में शामिल था। हमें जमुई को वही बरकरार रखना है और बरकरार ही नहीं रखना है, हमें उससे आगे ले जाना है। ये हुई दिल की बात। बहरहाल ये लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री को चुनने का भी चुनाव है और इस चुनावी समर ये प्रधानमंत्री को चुनने का भी चुनाव है और इस चुनावी समर में हमें मिलते हैं। आपसे ये वादा करता हूं कि ना ही कि हम चिराग जी के किए हुए अधूरे काम को जो भी बचे हुए हैं ना ही सिर्फ उसको आगे करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, बल्कि जब ये मंत्री बनेंगे मोदी जी के साथ तो इनसे और भी परियोजनाएं जमुई में लेकर के आएंगे, जमुई की में उस विकास को आगे बढ़ाएंगे और हम जमुई को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां चिराग जी ने सोचा था, जहां पे राम विलास पासवान जी हमारे अब तक आपके पास एक बेटा था, अब आपके पास दो बेटे।
और ये दोनों बेटे एक साथ मिलकर आने वाले दिनों में जितनी और समय का हम लोग कार्य करेंगे, और जो वादा मेरे पिता ने 2014 में किया था, आज उस वादे को याद करके मैं भावुक भी होता हूँ। उन्होंने उस वक्त वो ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ कर मुझे जब वही लेकर आए थे, और उस वक्त उन्होंने आप लोगों से मेरे लिए आशीर्वाद मांगा था, ये कहते हुए कि आप एक नहीं दो सांसद यहाँ से जिताकर भेजेंगे। आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, कहते हैं पिता के जाने के बाद बेटा पिता के स्थान पर आ जाता है, मैं कब इतना बड़ा हो गया कि मैं उनका स्थान ले पाऊं मुझे खुद ही पता नहीं चला, पर आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, आज उन्हीं की भूमिका निभाते हुए ये उम्र में रिश्ते में दोनों में मुझसे बड़े हैं, पर हाँ राजनीति में मैं थोड़ा सा इनसे आगे हूँ। तो ऐसे ही एक तरफ अपने पिता की कर्म भूमि, मेरे पिता के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को निभाने का उत्तरदायित्व मुझ पर था, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी कर्म भूमि जमुई, आप लोगों से जो पिछले 10 सालों में मेरा रिश्ता जुड़ा, जो लगा हुआ, उसको मैं किसके हाथों में सौंपूं, ये भी मेरे लिए एक बड़ी दुविधा का विषय था। बहरहाल इसीलिए ये निर्णय मेरे द्वारा पार्टी के द्वारा लिया गया कि जहां एक तरफ मैं अपने पिता की कर्म भूमि को संभालने जाऊंगा, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी कर्म भूमि को निभाने, मेरी कर्म भूमि को संभालने मेरे परिवार का ही कोई यहां पर आए, और ऐसे में मेरी बहन और मेरे जीजा जी, मेरी बहन जो खुद मेरे ही पिता का अंश है, हम दोनों एक ही शरीर के दो अंग हैं, ऐसे में मेरी बहन से बेहतर और कौन हो सकता है, मेरे जीजा जी से बेहतर और कौन हो सकता है जो बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करे। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, वही प्यार आप इनको दीजिएगा, और ये गारंटी मैं लेता हूँ, मुझसे बेहतर बेटा बनकर ये दिखाएंगे, मुझसे बेहतर सांसद ये बनकर दिखाएंगे, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। बस आप लोग वही प्यार, वही आशीर्वाद और वही अपनापन, कुछ गलत हो तो डांटिए भी, कहीं चूक हो तो मार्गदर्शन भी कीजिए, कोई गलती हो तो बैठ के समझाइए, पर जो प्यार आपने मुझे हमेशा दिया है, आज आप लोग नहीं होते, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चिराग पासवान नहीं होता। माला कब डालेंगे जब सब लोग 24 घंटा में 18 घंटा मेहनत करेंगे, ये बचा हुआ दिन है, सभी कार्यकर्ता आपका तो आपको कह रहे हैं 18 घंटा मेहनत करेंगे। पे जाने जाते ऐसे राम विलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, और उन्होंने उसी कदमों पर बढ़ करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जिसे अयोध्या में राम मंदिर के बारे में लोग कहते थे मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन मंदिर भाजपा के नेता श्री विकास सिंह जी का मौजूद यहाँ पर, जदयू के नेता श्री शिवशंकर चौधरी जी का मौजूद यहाँ पर, प्यार का नेता कैसा हो, प्यार पासवान जैसा हो, 370 की बात हो, जिसको लेकर साल दर साल राजनीति होती थी, हर चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाता था, हर चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाता था, हमारे प्रधान भाई नरेंद्र मंडल जी का, जो कि प्रदेश में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अरुण, एक समय ऐसा आएगा हर युवा पे चिराग पासवान का नाम गुनगुनाएगा, हर बच्चा करता जाएगा चिराग पासवान सच्चा कहलाएगा, चिराग पासवान सच्चा कहलाएगा। धन्यवाद। ताट में आराम लला ताट में, लेकिन भाजपा भी एनडीए भी ताट में नहीं है, सभी लोग मंदिर बनवा कर श्री शंभू शरण जी का मौजूद यहाँ पर, कि हमारे माननीय सांसद इतने खटते थे जो उनको इन्होंने इतना किया, और आज भी हम लोग है, लेकिन हम लोग खुशी है कि हमारे